दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश को हराते ही घमंडी बाबर आजम, जबर खान पठान सहित बहसबाजी से लेकर हाथापाई पर उतारू हो गए तो पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। यहां तक कि अब भारतीय खिलाड़ियों और दिग्गजों का गुस्सा ही फूट पड़ा है, जहां खुद धोनी से लेकर गंभीर, यहां तक कि सचिन से लेकर रोहित और कोहली तक ने अब बाबर आजम को आड़े हाथों लेते हुए इस मुद्दे पर जो बयान जारी किया उनकी बातें सुनकर बाबर भी कई मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तो आखिर क्यों बाबर और इरफान के बीच हुआ भयंकर विवाद, क्या कुछ रहा इस पर सभी भारतीय खिलाड़ियों का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया के अलावा क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों विश्व कप के मंच पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसमें जीत की तलाश में दर दर भटक रही पाकिस्तान का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। कोलकाता के ईडन गार्डन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को धूल चटाकर न केवल अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा बल्कि बेहद धूमधाम तरीके से जश्न मनाया। लेकिन इसी दरमियान मैदान पर कमेंट्री कर रहे इरफान पठान से बाबर आजम उलझ पड़ते हैं। दरअसल जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया तो इरफान पठान ने जीत का जश्न मनाते हुए राशिद खान के साथ जमकर डांस किया था। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की जीत के बाद इरफान पठान ने पाकिस्तानियों का खूब मजाक भी उड़ाया था। इसी कारण पाकिस्तानियों के मन में इरफान के लिए गुस्सा था और जैसे ही बाबर आजम की नजर इरफान खान पर पड़ी उनका गुस्सा ही फूट पड़ा। ऐसा लगा कि वह तो आपा ही खो बैठे हैं। जब इरफान पठान ने उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा तो गुस्से में बाबर ने उनका हाथ झटक दिया और उन्हें गालियां देते हुए वहां से जाने लगे। बस फिर क्या था, इरफान पठान भी अपनी बेइज्जती सह नहीं कर पाए, उन्होंने भी बाबर आजम को मुंहतोड़ जवाब देना चाहा तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आकर उन्हें घेर लिया। वो सब एक साथ मिलकर इरफान पठान पर चढ़ बैठे और इस बीच मैदान में हाथापाई का माहौल बन चुका था क्योंकि मामला काफी गर्म था। तो यह नजारा देखकर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों के भी पसीने छूट गए। आनंद फानंद में अंपायर और रेफरी मैच बचाव करने आए और किसी तरीके से हालात पर काबू पाया गया, दोनों को अलग किया गया। लेकिन दोस्तों बाबर आजम ने जो ये हरकत की है उसके लिए पूरा क्रिकेट जगत उनसे नाराज है, हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। तो वहीं अब करोड़ों भारतीय तो उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं, यहां तक कि अब इस जंग में कई बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ी भी इरफान के समर्थन में उतर आए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने कहा, बाबर आजम ने जो किया वह इस खेल को शर्मसार करता है, वह पाकिस्तान के कप्तान है और उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि आखिर वह किस लहजे से किससे बात कर रहे हैं। इरफान पठान कोई आम नागरिक नहीं बल्कि भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक है, आप उनसे विवाद करना तो दूर दूर ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते, आपने तो बीच मैदान में उनसे लड़ाई करने की ठान ली। बाबर ने इस खेल और इरफान का अपमान किया है, उसके लिए उन पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, इस बात को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अब गौतम गंभीर का भी अपना गुस्सा काबू नहीं रख पाए और उन्होंने कह दिया बाबर आजम को शर्म आनी चाहिए, अपनी टीम के लिए वह मैच तो जीत नहीं पा रहे और वह चले इरफान पठान से लड़ाई करने, यदि उन्हें इतना ही शौक है लड़ाई करने का तो यह अग्रेशन बीच मैदान में दिखाएं तो यह उनकी और उनकी टीम के भी काम आए। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें कप्तान किसने बना दिया जो अपने से सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान और जीत को सेलिब्रेट करना ढंग से नहीं सीख पाया। केवल इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी भी पहली बार बेहद नाराज है। उन्होंने कहा बाबर आजम एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है, मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि वह कुछ ऐसा कर जाएंगे। खैर पाकिस्तान क्रिकेट से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड कप से तो वो बाहर ही हो चुके हैं, अब कहीं ना कहीं उन्हें गुस्सा तो उतारना ही था। अब उन्होंने इरफान से लड़ाई मोल ले ली है और बाद में हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा सके, उन्होंने बेहद शर्मनाक काम किया है, आपको शर्म आनी चाहिए बाबर। यहाँ तक कि विराट कोहली का भी गुस्सा फूट पड़ा है, उन्होंने कहा कि मैं अभी भी हैरान हूँ कि आखिर मामला क्या है, लेकिन यदि यह सच्चाई है तो यहाँ पर पूरी गलती बाबर आजम की है। आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया की नजरें आप पर हैं और आप इस तरीके से एक महान खिलाड़ी का अपमान करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, तो यह उनका अपमान नहीं बल्कि आपके ईमान पर काला धब्बा है। आपने यह लड़ाई इरफान भाई से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से की है, इरफान भाई एक बहुत अच्छे इंसान है, कोई उनसे लड़ाई करने के बारे में कुछ सोच भी कैसे सकता है। तो दोस्तों सच में कप्तान रोहित शर्मा की बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा न हो पाए, यह वर्ल्ड कप चल रहा है कोई मजाक नहीं, यह सब हो रहा था तो अंपायर और मैच रेफरी कहाँ थे, उन्होंने यह होने भी कैसे दिया, बीच मैदान में एक कप्तान एक दिग्गज खिलाड़ी और कमेंटेटर से गाली गलौज कर रहा है, यह सब कैमरे में कैद हुआ और पूरी दुनिया ने देखा। मुझे समझ में नहीं आया कि जब बाबर ने किया तो आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था, क्योंकि उससे केवल बेइज्जती हुई है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई बेहद नाराज है बाबर से, लेकिन अब आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।